नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको यहां रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को थम्स अप कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों आज मैं आपके लिए इग्नो की एक नई अपडेट नई नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपके जो असाइनमेंट्स है वो आपकी सेप्टेम्बर में जो आपकी सबमिट होनी थी यानी 30 सेप्टेम्बर जो उसकी लास्ट डेट रखी गई थी, तो वो अब एक्सटेंड होकर आपकी 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसके अलावा बात करें तो आपकी जो असाइनमेंट्स है वो आपकी जिन असाइनमेंट्स में जो ये लिखा गया था कि आपकी असाइनमेंट्स है जो वैलिड रहता है वैलिड पीरियड रहता है 1 साल का, उसके अनुसार जो आपकी असाइनमेंट वो आपकी 30 सितंबर तक वैलिड रहने वाली थी। लेकिन अब असाइनमेंट्स की जो डेट जो सबमिट करने की डेट बढ़ा दी गई है। अगर आप सेप्टेम्बर में असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप अक्टूबर में भी सबमिट कराते हैं तब भी आपको कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप उन सेप्टेम्बर वाली असाइनमेंट्स को भी इसमें जो अगर आप अक्टूबर में बनाते हैं तो आपकी वो वैलिड रहेगी सेप्टेम्बर वाली भी, क्योंकि उसकी जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई थी। लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इसके अलावा आपको बता दूं अगर आपको कोई भी जो असाइनमेंट्स जो आपको फ्री असाइनमेंट जो है ऑनलाइन वो पीडीएफ चाहिए उसकी, तो आप जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे ट्विटर पर या मुझे मेरे फेसबुक पेज पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है और उसका व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां मुझे फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। दोस्तों दूसरी अपडेट की बात करें तो आपके जो है स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो आपके एग्जाम्स होंगे जो टर्म एंड एग्जाम होंगे कब से वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके एग्जाम जो है टर्म एंड एग्जाम 2021 के कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं ये बात बता दूं कि जो इनके इग्नो के हेडक्वार्टर्स है वो अब बात सामने आई है कि वो बोल रहे हैं कि जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके फिर से जनवरी या फरवरी में होने की संभावना है। लेकिन क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम जो टर्म एंड एग्जाम जून के जो हुए थे वो आपके अभी 3 अगस्त को जो है 2021 को जो आपके स्टार्ट हुए थे और सितंबर तक चले थे, जिसके हिसाब से अगर आपके जो असाइनमेंट्स हैं अभी जो आपके जनवरी सेशन 2021 की जो असाइनमेंट्स हैं वो अभी आपके सबमिट होने वाली हैं जो अक्टूबर में और सितंबर में सबमिट होंगी, तो वो पहले चेक हो जाएंगे, उनके रिजल्ट जो है आपको पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद जो आपके दिसंबर के जो एग्जाम होंगे वो आपके जो आपके फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके नवंबर में। आपके अक्टूबर में उसकी कोई डेट जो है नहीं देखने को मिलेगी आपको और आपको जो है सितंबर में भी कोई डेट नहीं मिलेगी। आप जो है नवंबर से आपकी फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसके जो है इग्नो के ऑफिशियल पेज पर जो आपको आप देख सकते हैं, वहां आपको कोई भी नोटिफिकेशन ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। आप कहीं भी कैफे में पता करेंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट इस बारे में नहीं आई है कि आपकी जो है जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे वो आपसे कब से होंगे। और दोस्तों मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि जिनके एग्जाम जो है पहले नहीं हो पाए थे सेकंड ईयर के, जैसे रियर के एग्जाम थे वो नहीं हो पाए थे इग्नो के, तो वो भी आपके जिनकी फीस आपकी जून जून टर्म एंड में जो आपकी डिडक्ट कर ली गई थी वो आपकी इसमें जो है आपको फिर से फीस भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो है रजिस्टर को फिर से करवाना पड़ेगा जैसे जब आपकी जो है ऑलरेडी वो फिल होकर आ जाएगा आपका कि आप जो है पहले की फीस जो है भर चुके हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको जो है उसके अलावा जो आपकी फीस रहेगी जैसे जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके आपको 200 के अनुसार आपके जो है इसके आपके पैसे लगेंगे। जो आपके उसके पैसे थे उस टाइम जो है 150 रुपए या 200 रुपए होंगे वो आपके ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, वो आपको फिर से पे नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके जो पेपर होंगे वो आपके जनवरी और फरवरी में पूरी पूरी संभावना है आपके पेपर तब तक हो जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो 1 या 2 महीने में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आपके पेपर पूरे हो जाते हैं, अगर आप फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो है अपना प्रोविजनल के लिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो आप जो है इग्नो को जो है आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। जो आपकी जब तक आपके ग्रेड कार्ड पर आपके असाइनमेंट स्टेटस जो है असाइनमेंट स्टेटस और दूसरा आपके टर्म एंड एग्जाम के जो रिजल्ट है वो दोनों आ नहीं जाते, आपके फाइनलाइज नहीं हो जाते पूरा, तो आप जब तक जो है आप अपना माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको विद इन ईयर जो है आपको आपके इग्नो सेंटर तक पहुंच जाता है। लेकिन आपके जो है माइग्रेशन उससे पहले आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको हेडक्वार्टर को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी या आपको जो आप किसी भी कैफे में जाकर पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है कैसे करना है, वो आपको सब डिटेल में बता देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है
तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थम्स अप कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आपको मैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन पीडीएफ जो है असाइनमेंट की चाहिए होगी तो आप जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे फेसबुक पेज पर जो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको उसका जो है आपको फ्री ऑनलाइन पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेते हैं अलविदा, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।